If you show me a hero in you, you will see a wild villain in me. जब तूने मेरी फैमिली को टच किया था, तभी ऊपर वाले ने तेरी मौत का ओटीपी भेज दिया। स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती, योर वन टाइम पासवर्ड। तूने बहुत दिन एंजॉय कर लिया, नाउ इट्स माय टाइम। आनंद, डोंट डू दिस, गिव मी द कीज, प्लीज गिव मी द कीज। उसे शूट करके कीज लेकर आओ। हेलो डीजीपी सर, सही समय पे आपका फोन आया। यहाँ थाने में आके कोई मुझे मार रहा है सर। मुझे बचाने के लिए कोई टीम भेजिए सर। कौन है वो? लगता है कोई स्लम डॉग है, दो कौड़ी का मिडिल क्लास आदमी है। स्लम डॉग नहीं है वो, तुम नहीं जानते कि वो पीपल मार्ट कंपनी का सीईओ है। देखो कब कौन क्या बन जाए कोई भी नहीं बता सकता। काशी कहाँ है? कहाँ है तेरा भाई काशी? मेरे भाई को पकड़ने के लिए कितने जाल बिछाए होंगे, और तू मेरे पहले ही बिछाए जाल में फंस गई ना, यही है गुनाह। मजे से मॉल में शॉपिंग करने आई थी, तुझे कोई डाइवर्ट कर रहा है, ये बात सोचे बिना ही बंदूक उठा के चली आई। हाँ, गुस्से में इंसान की खोपड़ी घूम जाती है। ये क्या गायत्री, बिना बताए शॉपिंग आधी छोड़कर चली आई।
चलो चलते हैं। ब्रो, आज ये ऑफ ड्यूटी है, कल ड्यूटी पे होगी तभी पंचायत रखना, हमें कभी कभार ही मिलने का मौका मिलता है। वो तो सिर्फ पुलिस है, मैं मिलिट्री वाला हूं। दोबारा कभी गायत्री के साथ लफड़ा किया ना तो मारूंगा नहीं, याद रखना, ठोक डालूंगा। ये लो, चले। बढ़िया धुलाई करते हो। तो क्या, तुम पे कोई हाथ उठाएगा और मैं देखता रहूंगा, जान से मार दूंगा। चलो। मैं थोड़ा सनका हुआ इंसान हूँ, हर चीज के बारे में सवाल जवाब करता रहता हूँ, कुरेद कुरेद के पूछता हूँ, यही है मेरा कैरेक्टर। गायत्री ने बताया था। क्या बताया था? कि वो चाचा ही सब कुछ है, वो हाँ कहेंगे तो शादी होगी। लाडली है ना, इसने जब तुमसे शादी करने की बात छेड़ी तो मैं बिना कोई फॉर्मेलिटी के खुद तुम्हारे घर पर चला आया। आप और आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आए। पर मुझे पसंद आएगा तभी ये शादी होगी ना। अब मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ, इस बात का बुरा ना मानना। दरअसल मेरे बड़े भाई यानी इसके पिताजी पुलिस वाले थे, जो बहुत ही ईमानदार थे, लेकिन फायदा क्या, पूरी जिंदगी एक घर भी नहीं खरीद पाए। अब शादी के बाद इसे तकलीफ ना उठाना पड़े, इसीलिए मुझे ऐसे सवाल करने पड़ रहे हैं। तुम्हारे बेटे के गुण वगैरह तो अच्छे हैं, लेकिन ये रोकड़ा वोकड़ा भी जमा किया है क्या? किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, इतने पैसे हैं सर, हम इज्जतदार लोग हैं, मैं गायत्री को बहुत खुश रखूंगा। इज्जतदार लोग यानी? तीन पीढ़ियों से इस देश के लिए प्राण त्यागने वाला परिवार है, इस देश के लिए हमने कितना खून बहाया है, ये शोकेस में देख लीजिए, उसमें रखे मेडल बताएंगे हमारे परिवार की कहानी। अशोक चक्र, मेरे पिता को मिला गौरव, करोड़ों रुपए देने पर भी ये नहीं मिलता है सर। सब बोल दिया, मेडल को रखकर भला ये क्या करेगी, उसे सिर्फ चाटा जा सकता है, अचार भी नहीं डाला जा सकता। चंद्रू, ये सब क्या है, उम्र का लिहाज किए बिना चाचा पर हाथ उठाया तुमने? कौन, ये उम्र में बड़े हैं? सोचा था सिर्फ बाल ही पके, इनका दिमाग भी पक गया है, तुम्हारी खातिर इन्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, ले जाओ इन्हें। How dare you? ये मेरे पिता के समान है, माफी मांगो। माफी मांगे? अच्छा है खून नहीं किया। मैं जब भी उस मेडल को देखता हूँ तो लगता है मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, और उनके बारे में इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, मैं मानती हूँ गलत बोला, लेकिन जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे ना मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगी और ना ही इस घर में आऊंगी।